आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इफ्तिखार रहमान दुरानी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रहे हैं उनके अहले खाना वाइफ और बच्चों समेत मैं आपके सामने हूँ। आईजी इस्लामाबाद की क्यादत में पुलिस ने जो है 3 तारीख को F11 के इलाके में इनके घर में अपार्टमेंट में घुस के दरवाजा तोड़ के उनको गन पॉइंट पे अगवा किया। साथ में लेडीज पुलिस ने जो है मोबाइलों की भी हाथ साफ किया। इस हवाले से मुतल्लिका थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए लेकिन पुलिस हुकाम अपने अफसराने बाला के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकारी थे। अभी तक जो है इफ्तिखारुर्रहमान दुरानी साहब को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है। उनके अहले खाना उनके बच्चों को कोई इतलाया भी नहीं है। इनका पूरा खानदान परेशान है और इनके वेयर अबाउट जो है इस्लामाबाद पुलिस हमें नहीं बता रही है, जिस पर हमने हैबियस कॉर्पस की पिटीशन दायर की जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने लगी थी, जिस पे उनने सरकार को नोटिस किया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को बुला के नोटिस दिया और कल की भी इसमें तारीख रखी है, मुतल्लिका हुकाम को बुलाया है। इस केस में डायरेक्ट दावेदारी उठाने की जो है IG इस्लामाबाद पे है, जो इस वारदात के फौरन बाद जो है बैरून मुल्क चला गया। अब देखते हैं कि कल जो है अदालत इफ्तिखार दुरानी को बरामद करवाती हैं या फिर हम भी लाहौर हाई कोर्ट की तरह ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया जाता है। असद कैसर साहब, फजल मोहम्मद खान साहब, अनवर ताज साहब और दीगर PTI के मैनेज, इनके नाम जो हैं वो उन्होंने इस जेल में डाले हैं, जिसके हवाले से मैंने आज रिट पिटीशन की थी। उसमें भी हाई कोर्ट ने नोटिस सरकार को जारी कर दिया है और अगले हफ्ते की इन केसेस की सुनवाई होगी। अच्छा बताइएगा शेख साहब, आप काफी डिप्रेस लग रहे हैं, आपको हमने पहले ऐसा देखा नहीं है, आप बड़े दबंग इंसान हैं और अच्छे से मीडिया के सामने भी आपने सवालों का बड़ा फेस करते हैं, लेकिन आज काफी अपसेट लग रहे हैं, क्या नहीं, ये सूरज है, डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन फिक्र अंदेशे ये हम कभी नदी भी भटकने नहीं देते हैं। वैसे ही ये सूरज की वजह से आपको ये मालूम हो रहा होगा, बाकी सुबह में शहरयार अफरीदी साहब के केस में किया था लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सामने, परेशानी ये हुई कि वो केस आज इसकी सुनवाई होनी थी जो हमारे एक कुलीग वकील की गलती की वजह से जो है उसमें तारीख कल पे चली गई। उनकी एक दिन की ये जो कैदोबंद की सहूबत है उसमें इजाफा यकीनन मुझे परेशान करने के लिए काफी है। खान साहब के हवाले से आपने ट्वीट किया था कि बहुत मजबूत सूरत हाल में जेल में रखा गया है, बहुत बैड कंडीशन है, स्पेशली उनके जो रूम की कंडीशन है, उस हवाले से थोड़ा खान साहब के हवाले से, खान साहब को मेडिकल सपोर्ट नहीं दी जा रही है, उसका जो डॉक्टर है डॉक्टर फैसल सुल्तान उसको जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमें जो उनकी लीगल टीम है अपील दायर करने के लिए वकालतनामे दरकार थे, हमें एक्सेस नहीं दी गई। वहां से जो इतलात आई है वो ये सजेस्ट कर रही थी 9x11 सेल में उनको रखा गया है, गंदा सा बाथरूम है और जो खाना है वो जेल मैनेवल के मुताबिक दिया गया है। उम्मीद है कि हमारे कुलीग्स की आज उनसे मुलाकात होगी और शायद मैं भी सेकंड टाइम जाने की कोशिश करूंगा। आज ही मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब ही की तरफ से रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें बकला की रेगुलर मीटिंग्स, उनके अहले खाना वाइफ बुशरा बीबी और उनकी बहनों और उनके मालिक जो हैं और पार्टी के जो नज़दीकी लेडीज हैं जो उनके नज़दीकी अकाबरीन हैं उनके नाम मैंने दिए हैं, 3 लिस्ट दी हैं कि ये खान साहब जो हैं इनके साथ इनकी मुलाकात रेगुलर बुनियादों पर कोर्ट परमिट कर दी। इस हवाले से थोड़ा सा बताया कि खान साहब जेल चले गए, कनेक्ट हो गए जो ट्रायल कोर्ट था उससे, तो कब तक उनकी रिहाई मुमकिन है, कुछ इस हवाले से बताया। खान साहब की तोशाखाना केस तो एक बेबुनियाद लग